सो हेलो एवरीवन, हेलो स्पिरिट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक है, तो होपफुली आपने सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियोस देख ली होंगी और एंजॉय भी किया होगा। देखो, सिंपल बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है। बट मैंने सिंपल इंटरेस्ट क्यों कराया? अगर वहाँ से क्वेश्चन आए फिर हम क्या करेंगे? एक्सक्यूज थोड़ी ना होगा कि भैया किया नहीं था। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस होकर देखिए चीज़ों को, बिकॉज ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। अभी से अगर आप सी सेट की अच्छे से तैयारी करेंगे ना, तो बिना किसी एग्ज़ाम की या बिना किसी टॉपिक की, जैसे जीएस की तैयारी को छेड़े बिना, अंत तक आपकी अच्छी एक तैयारी हो सकती है। क्योंकि लास्ट के 2-3 महीनों के लिए अगर आप सी सेट को रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर सकता है आपके लिए। ठीक है, सो होपफुली, उम्मीद करूँगा आप अभी से स्टार्ट कर चुके हैं तैयारी हमारे साथ। चलिए भाई, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। वट इज़ द अमाउंट ऑफ अ सम ऑफ ₹30,000 एट 20% पर एन फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टर। देखो, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या है? क्वार्टर मतलब 4, इसका मतलब 9 मंथ को क्या करो? अगर मैंने एक ईयर की बात की, 12 मंथ हो गए, यानी इसको मैंने कैसे तोड़ना है? 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ एंड 3 मंथ, है ना? तो क्वार्टर का मतलब क्या हो? 4 हिस्से, यानी ये कैसे बिहेव करेगा? इस केस में प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा? ₹32,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगी, 20 का 20% बाई 4, ये कितना हो गया? 5%। और फाइनली मेरे पास क्या बचा? टाइम कितना हो गया मेरा? 3 ईयर की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से करेंगे इसे। देखिए, 32,000 1/20, ये कितना हो गया? 1,600। ये भी कितना हो गया? 1,600 हो गया। और ये कितना हो गया मेरा? 1/20, तो ये हो गया 80। ठीक है, 2 साल के लिए। थर्ड ईयर के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? 1/20 यानी कितना? 1,600। इसका 1/20 कितना हुआ मेरे पास? फिर 80। इसका 1/20 कितना हुआ? फिर 80। और इसका 1/20 कितना हुआ मेरे पास? 4, तो एंड में 4 आ रहा है कहीं पे। चलिए, सो मुझे क्या पूछ रहे हैं? मुझे पूछ रहा है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? सिंपल, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये कितना होगा? 1600 × 3 = 4800, 240, 240 प्लस 4 4 4, तो 5044 हो गया। देखो, 32,000 प्लस 5044, ये कितना हो गया मेरा? ये हो गया मेरा 3704 4। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस सही है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे तो ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा, 35 से बड़े हैं सारे आंसर। ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट है। अ सम ऑफ 18,000 बिकम्स 21,780 आफ्टर 2 ईयर्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 5%। देखिए, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। ठीक है, चलो, यानी 18,000 कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरा 21,780, यानी कितना बड़ा मेरे पास? 3780, कितने में? 18,000 में, रेट ऑफ 100%। सो ये कितना आ गया? 21% आ गया। मुझे अच्छे से पता है ये 21% किसके लिए होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, यानी 10 से 11, और 10 से 11, यानी जो चीज़ 100 थी वो कितना होगी मेरे पास? जब भी आप कहेंगे 21% हो रहा है बच्चों, जब भी आप बोलोगे 21% हो रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। नेक्स्ट मेरे पास क्या, अब वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा? 10% पर एनम। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या करना है मुझे? 5% बढ़ा दो। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया नई सिचुएशन के लिए? 15%। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 18,000। तो 18,000 15 का मतलब 3/20। ठीक है, तो मुझे बताना क्या है इसमें? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना आपको। सो काटिए, देखो, 18,000 इंटू 3/20, सो 900 टू इज हाउ मच? 2700। ये भी कितना होगा? 2700। और इसका जब मैं 3/20 निकाल लूंगा तो कितना आएगा मेरे पास?
कैलकुलेशन बिल्कुल ही ध्यान से करनी है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए अपने पास। 135 × 3 हाउ मच 405, तो कितना 5400 प्लस 405 कितना हो गया 5805, 5805, बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले एक बार देख लो, कैलकुलेशन को देख लो, डेटा को देख लो अच्छे से, फिर आपने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ रहे और अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना तो माइक्रो कोर्सेज सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का। ठीक है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years ऑन अ प्रिंसिपल विच इज 8 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम गिव्स ₹1400 एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो अब ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का आपकी, वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअल फॉर 3 years। देखिए इसका मतलब, बट मुझे कुछ पता ही नहीं है, विच इन 8 years एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर गिव्स ₹1400। देखो 12 × 96 यानी मैं कह सकता हूँ 96% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4800। बोलोगे तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे 5000 आएगी। सोच के देखिए ये क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। तो सेकंड इक्वेशन ने मुझे ये बता दिया मेरे प्रिंसिपल कितने हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। देखो 10% के हिसाब से इसका कितना निकाल लो, 33.1%। मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, जो आपको रेलेवेंट लगे आप उससे कीजिएगा। ठीक है, 1/10 कितना होगा 500, 1/10 कितना हो गया 500, इसका 1/10 कितना होगा 50, इसका 1/10 कितना हो गया 500, इसका 1/10 कितना होगा 50, इसका 1/10 कितना होगा 50 और इसका 1/10 कितना होगा 5। तो बेटा ये कितना हो गया 1600 हो गया। डायरेक्टली यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये मेरे पास 10,000 होता, सोच के देखो अगर अमाउंट 10,000 होता मेरे पास तो ये कितना आता 3310, ये इसका हाफ है तो इसका भी हाफ कर दो कितना आएगा 1655 भी आएगा। ये बहुत अच्छे तरीके हैं करने के, अगर इनको इम्प्लीमेंट करें तो। अभी वीडियो पे हम यही सिखाते हैं, अभी हमने इसमें जब आप आएंगे सी सेट करने तो यही शॉर्टकट मेथड्स आपको हर डेली के लेक्चर्स में सिखाए जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ 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 वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 1550,000 फॉर 1 year एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। देखो ईयरली एंड हाफ ईयरली, देखो ईयरली की पहले बात करते हैं, अगर मैं बात करूं ईयरली, ईयरली कितना मेरे पास 8%। ठीक है, यानी 50,000 का 8%, हो गया 4000। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब अगर मैं हाफ ईयरली कर दूं तो 12 मंथ को मैं कैसे तोड़ूंगा बताओ मुझे, 6 मंथ में टूटेगा, बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल तो मेरे पास सेम है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हाफ, यानी 1/25, 4% का मतलब 4/100, 4/100 कितना, ये कितना हो गया मेरे पास 2000। ठीक है जी, ये 1/25 कितना है मेरे पास 2000 और इसका 1/25 कितना आएगा मेरे पास 80। यही आंसर है, बट हर बार अगर ऐसे करोगे तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। देखो एक चीज़ सुनना ध्यान से, मेरे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, यही आपका कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर 4% है, यानी 4% + 4% + 4×4/100%, ठीक है, तो ये कितना हो गया 8.16% हो गया 8.16%। देखो ये 8% यहाँ से मिला मुझे, ये 8.16 है, ऐसे तो क्या इनका डिफरेंस 16% आ गया, 0.16 सॉरी, तो ये क्या होगा मेरे पास 0.16% ऑफ 50,000 इनका डिफरेंस।
तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहीं से मेरा आंसर आ गया। तो उसको सॉल्व कीजिए, 16/100 और 1% के लिए 100 लगाए, 250,000। 16 × 5 कितना हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द राइट आंसर। क्लियर। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, आ सम ऑफ रुपीज 7500 अमाउंट टू 9075 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इन अ सर्टन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट इज। चलिए देखें जरा, देखिए 7500 कितना हो गया मेरे पास, 9075, यानी मैं कहूँगा 1575 का मुझे क्या मिला इंटरेस्ट, कितने पे, 7500 इंटू 100%, 2000, 15×5 75 और ये कितना है 105, तो ये कितना 21% हो गया। अब मुझे अच्छे से पता है अगर ये 10% है तो टाइम मेरे पास कितना आ गया, 2 ईयर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको अच्छे से बताया, तो भैया इसी बात पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल, ठीक है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली इन अ सर्टन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम फॉर सेम टाइम एंड सेम रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आप, तो 7500 अगर ये 10% है तो उसका 20% आ गया, यानी 7500 इंटू 20/100 750 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर है 1500। क्लियर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या मेरे पास, मैंने एक बात आपसे हमेशा हर वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि अभी हमने 10 जुलाई से एक नया बैच स्टार्ट किया स्पेशली फॉर सी सेट, क्योंकि एंड में जाके सी सेट करना कहीं ना कहीं एक बैकफायर हो सकता है, मूर्खता भरा निर्णय हो सकता है कि वेट करें तब करें, ठीक है। फिर इतना टाइम नहीं है, अब आपको शुरू से करना पड़ेगा। देखिए टाइमिंग्स क्या है इसकी, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है आपके पास। 3 से 4.5 मिलेगा आपको, 4 डेज़ अ वीक होगा, 180+ लेक्चर्स होंगे, 50 क्वांट के, 25 लॉजिकल के और 15 इंग्लिश के, ये तो आपको करवाए जाएंगे। उसके साथ एडिशनल क्या मिल रहा है आपको, लास्ट ईयर के 15 लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर लेक्चर्स, MCQ के 50+ लेक्चर्स मिलेंगे आपको, लाइव मेंटरशिप सेशन मिलेंगे 30+, वीकली डाउट सेशन आपको मिलेगा जूम पे, या क्लासेज के साथ भी उसको कवर किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे माइक्रो कोर्सेज की, जो बच्चों को बहुत बेनिफिट देता है। अब देखिए माइक्रो कोर्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, इसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कैसे इसको अवेल कर सकते हैं आप। चलिए, ये है मेरे पास सारे सब्सक्रिप्शंस, सी सेट, ठीक है, वीडियो कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना, 10 डेज़ का मोबाइल नंबर डालिए और क्या करना आपने, कॉल मी या व्हाट्सएप कीजिए, वैसे टीम आपके साथ जुड़ेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है मेरे पास इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, पूरा बंडल 3657 का मत लीजिए, बट नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन आए, तो ऑलमोस्ट 22%, सिर्फ कितने का है 318, 10 लेक्चर्स हैं इसके अंदर आपके पास, 9 वेब नोट्स हैं और 401 MCQs हैं। नेक्स्ट क्या, सिंप्लीफिकेशन, ऑलमोस्ट 15 से 16% क्वेश्चन हैं, 114 रुपये का, 4 लेक्चर्स, 1 वेब नोट्स और 117 आपके पास MCQs हैं। इसी तरह से सब चैप्टर्स हैं, और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और इंग्लिश सबके ऐसे ही माइक्रो कोर्सेज हैं, प्लीज़ अवेल कीजिए और जुड़िए अभिमन्यू के साथ और सी सेट के डर को भगाइए। थैंक यू। और सारे के सारे जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।